पैसे भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये देख लीजिए हमारे पास खाने के लिए खाने का खाने का नहीं है, तब ये देख लीजिए। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम डेली लोग सोचते हैं कि हम दाल खाते हैं लेकिन नहीं, हम बहुत गरीब, हम डेली पनीर की सब्जी खाते हैं, पनीर हो गया, राजमा हो गया, क्या करें गाइस, हम इतने गरीब हैं। YouTube चैनल ट्रेंडिंग मदीना, तो बस सब तो पहले सारे भाई ना आज राम राम। तो भाई आपको बता दो भाई, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आने आ रही, तो भाई वीडियो नहीं आ रही तो मुख्य कारण एक है भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है पूरे अड़े, अपनी क्लास लग गए हैं भाई, 9-5 है, उसके बाद भी अब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्क्रीनिंग होगी शायद 3 घंटे की, उसके बाद एक घंटा डिस्कशन होगा भाई। वैसे ही मैं आपको बता दूँ टाइम नहीं मिल रहा वीडियो डालने का, और भाई पहले तैयारी करी एंट्रेंस की, तो ऐसे ही चलता रहा भाई, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भाई फाइनली अपना एडमिशन हो गया है। और आपको दिखा दिया अपना होया है एडमिशन फिल्म एंड टेलीविज़न में, एक ऑडियोग्राफी है, तो ऑडियोग्राफी में अपन ने एडमिशन लिया है, तो आपको एक बार दोहरा करा दे, फिर और बात बाद में कराएंगे, दोहरा करो भाई पहले। भाई वो अपना डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ये अपने जो बैचमेट हैं इनसे मिलवा देते हैं, तो ये अपने बैचमेट है भाई, जो अपना योगेश भाई, योगेश भाई राम राम करते हमारे दर्शक ने, तो भाई ये खेल रहे हैं भाई, नाम के भीतर अपना नाम बता दे। आप लोकेशन देख लो अपनी यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आपको फिर अपने यार दोस्त है उनसे मिलवाएंगे, पहले आप लोकेशन देखो, वेदर देखो, और भाई जो कलाकारी कलाकारों ने कर रखे वो देखो एक बार आप। भाई अपना ऑडी है जो मेन ऑडी ऑडिटोरियम ये है, और ये आपको भाई हमारे जो यूनिवर्सिटी का पार्क और दिखा देते हैं, और साथ ही साथ इन गुंडों को दिखा देते हैं, गुंडे ये आने वाले हरियाणा की टॉप मूवी में काम करेगा भाई अशोक गुंडा, हाँ तो और ये भाई पंडित लक्ष्मीचंद की आपको प्रतिमा दिखा देते हैं, प्रतिमा ही बोलते ना, हाँ ये पंडित लक्ष्मीचंद देखिए, और ये तो अभी हम चल रहे हैं भाई कैंटीन की ओर, और ये जो डिपार्टमेंट है ये है डिजाइनिंग वालों का, हाँ डिजाइन वालों का डिपार्टमेंट है, और कैंटीन हमारी यहीं पे है, तो कैंटीन में अभी सब जा रहे हैं भाई, भाई ये अपने सारे यार दोस्त हैं, तो ये कैंटीन है, कैंटीन से पहले इनसे मुलाकात कराते हैं, एक पुलकित भाई है और दूसरा आगे, तो भाई ये अपना पुलकित भाई पीछे वाला, यो भाई तो जान दे इसने, तो पुलकित भाई क्या कहना चाहोगे आप हमारे दोस्तों, कहाँ कहाँ गए, ब्लॉग चल रहा है भाई ब्लॉग, भाई ऐसा नहीं हाँ ऐसा है भाई, पता है क्या बात है, सनलाइट आ रही ना, हाँ तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे, कहना चाहूँगा अभी हम है फैशन डिजाइन में, हाँ साउंड बंद करो पहले, ये भाई को प्राइड आ जाएगा, मैं कहना चाहूँगा कि हम है अभी फैशन डिजाइन में, हाँ 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 चलो चलो हम कंटिन्यू ऐसा है अब हमारे फैशन डिजाइन में हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं हाँ देख भी लिया होता हमने कि इम्पोर्टेंट काम नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई आप क्या कहना चाहोगे पुलकित भाई, मैं कहना चाहेंगे भाई हमारे जैसा बनो, हाँ अब हम बंक मार के आगे लाइब्रेरी में बैठे थे, साइड में लड़की बैठी थी, ओह माय गॉड
बैठे हैं। और भाई हेलो अशोक भाई, अशोक अशोक क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि इनसे थोड़ा दूर रहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सोमजीत भाई ये हमारे कोलकाता से हैं, तो भाई क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया है, मतलब बेसिक से सब सिखाते हैं। अच्छा, और ये जरूरी भी है बेसिक से सीखना, अभी 4 साल लगे। तो हमारे यहाँ का खाना कैसा लगा हरियाणा का? भाई हम लोग तो नॉन वेज खाते हैं। अच्छा, पर बढ़िया है, वेज में बढ़िया है, पराठा रोटी ज्यादा मिलता है। अच्छा, लेकिन और कुछ पता नहीं, अभी तो एक्सप्लोर करेंगे। अभी आए टिंडे की खाए? टिंडी की खाए? नहीं ये सब तो नहीं खाया। लस्सी तो ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, और कोई दिक्कत ना। हम तो बस जाएंगे। जाओगे? नहीं। कहाँ जाओगे? अब जब भी है वीकेंड में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ के जाओगे? यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हो क्या? छोड़ के नहीं, हमारे साथ। अच्छा आजा हमारे साथ तो। हाँ चलो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चूरमा खिलाते हैं आपको बहुत ही जल्दी। अभी मुझे ना बहुत पसंद, गर्मी अच्छा लगेगा, यहाँ पर आने के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर आपको चूरमा खाइयो भाई। चलो अभी खाना खाते हैं, कैंटीन के अंदर जाके आओ भाई। तो ये अपने कैंटीन है, ये अपनी कैंटीन है भाई। हाँ कैंटीन वाले भाई, भाई जी राम 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 करते हैं। ये अपनी कैंटीन में बाहर चलना पड़ा रहा। हाँ बाहर बैठा है भाई, तो एक बार ले लें आठ दसवा। तो भाई ये अपने सारे बैचमेट हैं, देखिए। नो गॉड प्लीज नो। हाँ ये जी बैचमेट है। तो भाई क्या कहना चाहोगे आप भाई? भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कॉलेज में बन कर रहे हैं, अब सारे खाना खा रहे हैं। देखिए हाँ, तो भैया अपने सारे बैचमेट है भाई, के बना का ले रहा है बल्लू का? हरी सब्जियां भी, रोटियां। अच्छा हाँ खा लिए, जायज है। चलो भाई फिर हम भी लेना खाना। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे योगेश भाई, हरियाणा के उभरते सितारे, और भाई सिंगर है बहुत ही अच्छे। और खरा ते न जावे चाहे महस ना चरावे, खरा ते न जावे चाहे महस ना चरावे, हाथ जोड़ के मनावे तने हीर 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 है, मान गया भाई कत्ती लटकाट दिया। तो भाई एक अपना सोमवीर कथुरवाल का सॉन्ग है, गाल दे पिया ने जिया ने, एक लाइन उसकी। नहीं वो उन्हें भी गा रखा है वैसे। हाँ हाँ गा रखा भाई, पर यो सुनना चाहूंगा एक मैं तो। तुम अकॉर्डियन खाल दे पिया ने जिया ने, काल ना करे घाल दे पियाने जियाने, काल ना करे ए मारू जुड़ रही हाथ, दुख पा गया गात है यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, काल दे पियाने जियाने, काल ना करे। तो भाई तोड़ पाड़ दिया भाई। और अभी क्या कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी में? आपका स्पेशलाइजेशन क्या है भाई? फिल्म एडिटिंग। भाई की दो फिल्म आने वाली है। हाँ तो भाई अपनी जो फिल्म आने वाली है, फिल्म आने वाली है भाई, दोनों नवंबर में आएगी। एक तो है दादा लक्ष्मी, हाँ। अपने सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की, हाँ। जी की। और दादा लक्ष्मी फिल्म आएगी 15 नवंबर से पहले पहले, नहीं अभी दादा लक्ष्मी की डेट। और 4 नवंबर को शायद अजय वर्धन आएगी बायोग्राफी, एक डेंटल डॉक्टर है चंडीगढ़ में, हॉस्पिटल है मैक्स डेंटल हॉस्पिटल। तो आपका क्या रोल है भाई उसमें? मेरा है जो
दो डॉक्टर हैं मेन, तो उनके जो बचपन का रोल है ना उसके बड़े भाई का। अच्छा, और दादा लक्ष्मी चंद में? और दादा लक्ष्मी में तो छोटे लक्ष्मी का रोल है। अच्छा, तो चाइल्ड? हाँ चाइल्ड लक्ष्मी, चाइल्ड आर्टिस्ट। तो हमारे दर्शकों को बोल दीजिए भाई देखिए। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि सभी अपने अपने नजदीकी सिनेमा हॉलों में जाके फिल्म को देखो, अच्छी लगे तो बढ़िया बताओ और गंदी लगे तो फिर भाई तुम्हारी भाई बात है, कई बजा किसी ने कुछ कह दो। हाँ, सही बात है भाई। और अपने एक और भाई है, अपने भाई नाम बता दीजिए पहले, सबसे पहले अभिषेक भाई कहाँ से हो भाई? अभिषेक भाई रोहतक से है भाई। तो भाई मैं बता दूं, भाई भी थोड़े है सिंगिंग कर लिया रहे हैं, तो भाई के गाने भी आए हैं, तो भाई गाना सुनना चाहेंगे हम भी आपका गाना। हाँ, कौन सा? कोई 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 भी सुना दो आपका। मेरा? हाँ, आधा सामने में सुनियो भाई। रोहतक ते आए भोले नाथ के चेले, बरकना पी के पूरे भांग के बेले। रोहतक ते आए भोले नाथ के चेले, बरकना पी के पूरे भांग के बेले। ओ सर पैदर के हाथ रे भोले न कही एक बात रे, टेंशन ना तू लिए रे चेले जा रे जिसे ले ले। रोहतक ते आए भोले नाथ के चेले। मान गया भाई, मान गया। तो भाई अपनी स्पेशलाइजेशन क्या है? भाई अपनी स्पेशलाइजेशन है फिल्म एडिटिंग। अच्छा, तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे? भाई फ्यूचर में अभी तो फिल्म एडिटिंग का काम सीख रहे हैं, आगे देखो क्या होता है। अच्छा, तो करियर यहीं से बनेगा अपना? करियर शुरुआत हो गई है करियर बनने की। तो 4 साल अपने आड़े हैं। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ आपके साथ ही। हाँ कोई दिक्कत ना भाई, तेरे साथ हैं। तो भाई ये हमारे दो और बैचमेट आ रहे हैं, एक हैप्पी है और भाई अपना क्या नाम भाई? आनंद। आनंद भाई कहाँ से हो आप? हम यूपी। यूपी से है। तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में? अरे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, जितने लोग देख रहे हो सारे एडमिशन ले लो, अभी सीटें खाली हैं, बुला रहे हैं लोग। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत बढ़िया लगा। क्या चीज की यूनिवर्सिटी है तो कुछ? हाँ बताओ भाई। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, यहाँ पे आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग और फिल्म एंड टेलीविजन, बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो भाई आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? एक तरह की यूनिवर्सिटी है। हम बोल ले हाँ भाई, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? तुम्हारी मेरा स्पेशलाइजेशन है एक्टिंग में। एक्टिंग में, फिल्म एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट। अच्छा, तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे? अब यार एक्टिंग सीख रहे तो एक्टिंग ही करना चाहेंगे। तुम्हारे दिमाग में काहे आई कि मैं एक्टर बनूं? तुम्हारे दिमाग में काहे आई कि तुम कौन? हाँ सही बात है भाई। हाँ तो क्यों एडिटिंग कर? ये तुम्हारा बचपन का ड्रीम है। बचपन मेरा क्या, मेरे काहे का ड्रीम? आपने कौन सा ड्रीम बचपन में बताया? एडिटिंग क्या होती है? ये लगा जवाब नहीं। ये एक्टिंग करेगा जब भी तो एडिटिंग करेगा भाई। तू करोगे यार? तो भाई चलो मिलते हैं यार, आगे मिलते हैं। चलो अभी आपकी मुलाकात कराते हैं सत्येंद्र भाई से। तो सत्येंद्र भाई सबसे पहले राम राम। राम राम साहब। भाई कहाँ से हो आप, ले बताओ? मैं निदाना गांव जिला रोहतक। अच्छा, और तहसील अपनी? मैम। अच्छा मैम 24। हाँ जी। अच्छा, तो कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी में कैसा लगा आपको एडमिशन ले? यूनिवर्सिटी में तो यू ला रहे हैं इंद्र का दरबार में, अपना राज चल रहा है, सारी अप्सरा ही दिखे मतलब। मान गए। तो अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन क्या है अपनी? एक्टिंग। तो तुम मर आओगे? उससे खतरा है। हाँ, तो फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? फिल्म में अपना मुख्य किरदार में आना है हमें फिल्म के अंदर। अच्छा, उसमें टाइम चाहिए अपना 10 साल लग जाओ, हमें मुख्य भूमिका में आना है फिल्म के अंदर। अच्छा, तो और बचपन का सपना है, जब तक हम लगे रहेंगे, ये चुनौतियाँ है ना, चुनौतियाँ हर आदमी के जीवन में चुनौतियाँ हैं, और इस प्रकृति में भगवान की बनाई हुई चुनौती एक सबसे खूबसूरत लड़की है। हाँ। उसके साथ रोज अपनी आंखें चार करो। हाँ। और इंजॉय लेकर आगे बढ़ते रहो। चुनौतियाँ तो आ रही हैं, अपनी तरक्की के लिए जो समस्याएं आ रही, सबके जीवन में समस्याएं आएंगी, और एक्टिंग को लेकर लगभग अन्य फील्ड से ज्यादा समस्याएं आएंगी, और जो समस्याएं है ना उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मानो। हाँ। और एंजॉय करते हुए लगातार आगे बढ़ते। अरे वाह, मान गए भाई। आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने भाई, भाई नाम बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम दिग्विजय है। हाँ, कहाँ से हो भाई? औरंगाबाद से हूँ, मुझे यहाँ पर कोई तो भी छोड़ के चला गया। अच्छा, तो भाई अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो पैसे पैसे तो हो जाएंगे भाई, पहले गरीब हूँ। तो
रिजर्व जा कौन बता दिया भाई इतना गरीब है खाने के लिए पैसे भी नहीं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है खाने का नहीं है तब ये देख लीजिए हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है हम डेली लोग सोचते हैं कि हम दाल खाते हैं लेकिन नहीं हम बहुत गरीब हम डेली पनीर की सब्जी खाते हैं जैसे पनीर हो गया राजमा हो गया क्या करें गाइस हम इतने गरीब हैं तो भाई अभी मुलाकात करा देते हैं अपने निधिन भाई से निधिन भाई केरला से हैं तो हाउ आर यू ब्रो टॉकिंग मलयालम हाँ हाँ टॉकिंग मलयालम तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को हाँ भाई मलयालम मलयालम में बोलना है इस कॉलेज के बारे में बताओ हाँ मलयालम ठीक है पर यार सुपर कॉलेज नल्ला कॉलेज खुल के भाई भाई खुल के तो हाँ तो अपना स्पेशलाइजेशन क्या है भाई सिनेमाटोग्राफी अच्छा तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे सुनो 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 भाई सुनो सुनो बड़े हो के आप क्या बनोगे बड़े हो के आप क्या क्या अच्छा शूट 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 मिर्जापुर सीजन 4 अच्छा कालीन भैया हाँ हाँ भाई 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 इनसे तो मुलाकात पहले हो चुकी थी भाई आप दोबारा बता दीजिए यार मेरे भाई बहुत अच्छे होते और मैं बता क्या सुनना चाहते हो मैं भाई मैं बता दूं आपको भाई शायर भी हैं तो एक शायरी नहीं नहीं यार मैं शायर नहीं हूँ तो कुछ कुछ तो सुना दीजिए भाई हमारे दर्शकों को कुछ तो सुना दीजिए भाई आप नमाज पढ़ी सुनाएंगे क्या ना कुछ तो होने दो कुछ तो बस हो गया बोलो वो तुम्हारी जो फ्रेंड है हां सुनीता के बारे में बताऊं सबको भाई बता दे रुक जा मुलाकात कराएं भाई अपने जीवन भाई से जीवन भाई जग जीवन भाई राम राम भाई पूछना भाई बता भाई कहां से हो पहले ये बताओ भाई 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 कहां से हो तो सब सब तपल है जीवन भाई जीवन दया निर्माण है अच्छा हरियाणा आया हूँ मैं क्या ठीक है नहीं डाइपर यूज कराएंगे सर ने बहुत सख्ती से ही बोला तो कैसा लगा यूनिवर्सिटी में आगे बहुत अच्छा लगा मतलब जीतू सर से मिले वहाँ बहुत अच्छा लगा चंद्र के बारे में स्टार्टिंग में बोलते हैं कुछ भी पूछ लो पूछते हैं तो बोलते हैं क्यों बताऊँ मैं भाई अपना भाई है बोलते हैं यार मतलब तो भाई अपनी स्पेशलाइजेशन सिनेमेटोग्राफी में स्पेलिंग आंदी भाई अच्छा तो भाई ये अपना कपिल भाई है कपिल भाई कहाँ से हो आप सोनीपत भाई तो अपनी स्पेशलाइजेशन बता दीजिए पहले ऑडियोग्राफी है भाई अपनी तो क्या करना चाहोगे आप अपने फ्यूचर में आगे फ्यूचर में भाई बाड़क तो यूनिवर्सिटी करेंगे भाई बाड़क करेंगे भाई जिंदगी लेंगे अरे भाई यूनिवर्सिटी में आके आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया लगा भाई मजा आ गया पर हरियाली है ही नहीं भाई यहाँ पे मास्टर से बात कर ला भाई वो लकड़ गया ओ अभी आपकी मुलाकात करा रहे हैं भाई अपने पुलकित भाई से तो पुलकित भाई हमारे दर्शकों को राम राम प्रणाम कुछ तो कर दीजिए तो भाई कहाँ से हो आप भिवानी से हो अभी यूनिवर्सिटी में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है मेरी डायरेक्शन है डायरेक्शन तो फ्यूचर में आप क्या करोगे पता नहीं पता नहीं तो ना कुछ तो एम होगा अपना एम तो ढूंढ रहे हो हाँ तो क्या कहना चाहोगे आप हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में तो क्या कहना चाहोगे आप पुलकित भाई सही बात है भाई तो हाँ नशीली आंखें और ये नशीली आंखों का राज तो है भाई क्या नशे वो नहीं बता सकता अच्छा अभी आप कर रहे हो सर हाँ तो करना भी नहीं अभी हमारे जो दर्शक उनको मोटिवेट कीजिए भाई ये हाँ मोटिवेट कीजिए डीमोटिवेट अरे मोटिवेट कीजिए कि जो भी है युवा है जो उभर के आ रहा है हमारे समाज में तो हाँ हाँ तो वो नशे की लत और नशे ना ना दोबारा 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 बोलना
करप्शन से लड़े और नशे ना करें। मान गया भाई, मुलाकात करा देते हैं आपसे ये हमारे भाई प्रवीण। प्रवीण तो भाई आप ही बता दो। हेलो दोस्तों, सत श्रीकाल, मैं थोड़ा अपना प्रवीण खासा, मैं इस रवि भरा दे अपने पिंड तो है। हाँ तो भाई मैं बता दूँ, इस भाई का भी एडमिशन यहीं पे हो गया। और आपको एक बात और बतानी थी भाई, वीडियो नहीं आई इसका मुख्य कारण यही था भाई, एंट्रेंस की तैयारी की है, उसके बाद एडमिशन हुआ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, फाइनली एडमिशन हो गया। और रही बात अब भाई वीडियो नहीं आई, तो अभी ये है, ये व्लॉग बन रहा है, इसके बाद पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ गाना लेके आएंगे, और सरप्राइज आपके लिए बहुत ही जल्द हरियाणवी सॉन्ग आपके बीच में। भाई और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी भाई को जरूर करें भाई। हाँ और प्रवीण भाई, कुछ पंजाबी में कोई शायरी वगैरह आप सुनाना चाहते हो? नहीं ब्रो, हजे तक कोई शायरी नहीं बनाई है क्या? हाँ फिर कोई बनावांगे तो मैं जरूर सुनावांगे। हाँ तो अभी आप ये बताइए, हमारी यूनिवर्सिटी में आके आप कैसा लगा? नहीं भैया, यूनिवर्सिटी से आके सामने बड़ा चंगा लग गया, दोस्त नवे दोस्त मिले है। हाँ। ते नई नई चीजा सीखने को मिली है। अच्छा अच्छा, नवे दोस्त किवें? कुड़िया भी है, मुंडे भी है। बात तो यही ना भाई, तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी पता है क्या है, 5 बजे तक क्लास है, और अभी तो कुछ दिन तो 5 बजे तक, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे तक क्लास, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी 2 या 3 घंटे की, फिर 1.5 घंटे का डिस्कशन होगा, फिर जाए कहाँ पे छुट्टी होगी, शायद 8 ही बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं भाई, अभी पक्का नहीं कह सकते। फिर मेरी ओर से तो यही है, मैं अपनी ओर से एक सॉन्ग लेके आऊँगा, और सॉन्ग ही कर सकता हूँ भाई शायद, और तो पूरी पूरी कोशिश करूँगा भाई, नहीं तो छोटा भाई है वो भी करता रहेगा साथ ही साथ काम, अपना तो है भाई, हम सॉन्ग लेके आएंगे और बहुत ही जल्द आपके बीच में, वेट करना बस, और ऐसे ही साथ बनाए रखना। पिछले गाने में भाई आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, और ऐसे ही साथ बनाए रखियो, और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हरियाणा सॉन्ग में। जय हरियाणा, जय हरियाणा, राम राम बोल।